भाई यार एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया यार? बहुत कैड़ी दिक्कत हो गई। क्या होता हूँ इसमें? क्या बात हो गई यार? रहने दे यार, समझे कर नहीं बता सकता मैं। टट्टी आ रही है। और अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर आपकी भी नंबर प्लेट खो जाती है ना, तो प्रोसीजर क्या होता है इसका? अब उस चीज के बारे में बात करेंगे। हाँ भाई। वीडियो ओ तुम काले आ रहे हो, रुको गोरा करता हूँ। ए हो गए गोरे। भाई सारे ने उम्मीद करते सारे मेरे भाई बड़े होंगे, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। सो गाइस आज की वीडियो कुछ इस प्रकार होने वाली है। हमारी गाड़ी की भाई HSRP नंबर प्लेट खो गई भाई। भाई हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हमारी गाड़ी खो चुकी। इन शॉर्ट भाई हमारी गाड़ी की जो नंबर होता है ना, जो नंबर जिस पर प्लेट पर नंबर गिरा होता है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वाला, वो नंबर प्लेट खो चुकी है। और भैया कौन सी खोई है, आगे की खोई है, पीछे की खोई है, सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहो। और क्या प्रोसीजर होता है इसका अगर आपकी ये नंबर प्लेट खो जाती? भाई इजीली नहीं बनती है। ये मत सोचो कि आप शोरूम पे गए और आपने जाके कह दिया मेरी नंबर प्लेट खो गई बना के दे दो। नहीं भाई ऐसे नहीं चलता है मामला। इसमें प्रॉपर हर एक चीज करानी पड़ती है। क्या क्या करानी पड़ती है वो आपको बताऊंगा। पहले सबसे पहले पहुंचते हैं एक शांत जगह पे, जहाँ पे खड़े होके आपसे गुफ्तगू कर सके। पड़े भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? मजे आ रहे हैं? मौज आ रही है? कुल जीवन खुशहाल जीवन जी रहे हो? बीवी कब आ रही है तुम्हारी शादी? वादी कब है? पाँच सात साल है भाई इसकी शादी में। भाई यार एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया यार? बहुत कैड़ी दिक्कत हो गई। क्या बताऊंगा इसमें? क्या बात हो गई? अरे यार नहीं बता सकता, बस पूछ मत। अब तो बतानी पड़ेगी। नहीं यार रहने दे यार, समझे कर नहीं बता सकता मैं। टट्टी आ रही है? नहीं भाई, भाई गाड़ी की नंबर प्लेट खो गई यार, HSRP वाली। अब कैसे मैटर करना, क्या प्रोसीजर होता है जल्दी बताओ। रिपोर्ट करो पहले थाने में। रिपोर्ट करो? अरे रिपोर्ट करो, अरे अभी बताएंगे, पहले लोकेशन पे तो पहुंच जाए। मैं असल में भाई को पिक करने आया था पाड़गाई का, और अभी हम लोकेशन पे आ रहे हैं, और फिर आपको प्रोसीजर बताएंगे क्या प्रोसीजर होता है प्रॉपर। पाड़गाई तुम्हें प्रोसीजर पता है? ये देखो भाई, बचपन के दिन हम भी ऐसी साइकिलों पे टहले करे थे, तीन तीन चार चार। पहले चलो तो पहले लोकेशन में पहुंचते हैं फटाफट। फिलहाल हम आ चुके हैं अपनी कुछ ऐसी लोकेशन पे, ये हमारी भाई बहुत ही ज्यादा फेवरेट लोकेशन है। यहाँ अभी घर ही बन रहे हैं। पाठक भाई घर बन रहे हैं? तुमने भी जमीन वमीन खरीद रखी दिखे हैं मुझे सुनने में आ रही है भाई? नहीं भाई भाई तुम पे मोटा भाई ये बताना नहीं चाह रहा, इन पे मोटा पैसा है। इन्होंने पूरी जमीन पूरी कॉलोनी काट रखी है वाली। और नंबर प्लेट भाई कहाँ की खोई है अभी आपको दिखाता हूँ। आगे तो भाई गाड़ी पे नंबर प्लेट लग रही है, जो नंबर प्लेट खोई है भाई वो खोई है पीछे की। देख लो भाई पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं है। इसमें मैंने ना दो बोर्ड लगवा रखे थे, मतलब जो मशीन से कसते हैं, एक गेरा और भाई एक गेरा, यहाँ से वो नंबर प्लेट गिर गई। और भैया कहाँ गिरी कुछ अता पता ही नहीं है, लेकिन जब खो गई, जब हमने उतर के देखा, मैंने कहा अरे पीछे की नंबर प्लेट कहाँ गई? हमारी पीछे की नंबर प्लेट खो चुकी। और अब इसका प्रोसीजर क्या होता है अगर आपकी भी नंबर प्लेट खो जाती है ना, तो प्रोसीजर क्या होता है इसका? अब उस चीज के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए बुलाना चाहूंगा मैं हमारे बहुत ही महान व्यक्ति को, हमारे पाठक भाई। हाथ मिलाओ, कैसे हो? क्या हाल है भाई? भाई तुम सामने आओ, भाई तुम पहले सामने आओ, तुम टॉपिक से मत हटको। पहले बताओ क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल बढ़िया हो। हम पाठक भाई को किस लिए लेके आए हैं? इनकी जो हिंदी है ना, हिंदी पढ़ना बहुत ही अच्छी, और स्कूल में टॉप आते थे भाई हिंदी पढ़ने में, कविता वगैरह ये पढ़ते थे। भाई मेरी हिंदी इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। पाठक भाई ये बताओ सबसे पहले तो प्रोसीजर क्या होता है अगर हमारी एक HSRP नंबर प्लेट खो जाती है, तो क्या क्या मतलब क्या होता है? सबसे पहला प्रोसीजर होता है हमें थाने में रिपोर्ट देनी पड़ती है। थाने में रिपोर्ट? जो आपका नजदीकी थाना है ना आपके एरिया में, उसमें आपको एक रिपोर्ट लगानी पड़ती है, और उस पर थाने की मोहर लगती है। और रिपोर्ट में लिखना क्या होता है अब हमारे पाठक भाई बताएंगे। पाठक भाई बताओ। ये जैसे स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे हम, ऐसी एप्लीकेशन लिखनी है, थाना अध्यक्ष पल्लोपुरम मोदीपुरम मेरठ, अपना एड्रेस, अपना एड्रेस। फिर नीचे तुम्हें जो एप्लीकेशन में लिखना, निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपनी इस गाड़ी की बता रहा हूँ, इस गाड़ी की बता रहे हैं, निवेदन इस प्रकार है कि मैं उषा राणा वाइफ ऑफ रमेश चौहान निवासी पल्लवपुरम फेस टू, हमारी गाड़ी की नंबर प्लेट कहीं गिर गई थी, इसका नंबर डैश 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 है, कृपया इसकी रिपोर्ट दर्ज करें। और ये रिपोर्ट आपको फिर इस पे स्टैंप लगवा के RTO में सबमिट करनी होती है। यानी कि भाई थाने की स्टैंप लगती है इस पे, ये होती है रिपोर्ट जो आपको हिंदी शब्दों में लिखनी होती है। लिख तो आप इंग्लिश में भी सकते हो, लेकिन बेसिकली हिंदी में ही चलती है थाने वगैरह में, तो हिंदी में से लिखवा के स्टैंप लगवा के देन आप इसे शोरूम पे जमा करते हो, जहाँ पे आपके आई थिंक 1100 रुपए के समथिंग जमा होते हैं, जिसमें आपकी दोनों यानी कि अगले वाली भी और पिछली वाली भी दोनों नंबर प्लेट बन के आती है। भाई सिंगल नंबर प्लेट नहीं बनती है, दोनों की दोनों नंबर प्लेट इसमें आपकी बन के आती है। तो ये प्रोसीजर होता है, थाने में रिपोर्ट दो, स्टैंप लगाओ, शोरूम पे जमा करो, और आपकी नई HSRP नंबर प्लेट 5-6 दिन में बन के आपके हाथों के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ प्रोसीजर होता है जो कि हमने भाई अपनी गाड़ी का करवा दिया है, बस इस पे स्टैंप लगनी बाकी है, और फिर मैं देखाऊंगा इसको शोरूम पे और पैसे जमा करके आऊंगा, जिससे हमारी न्यू नंबर प्लेट यानी कि HSRP नंबर प्लेट बन जाएगी। तो इतना सा प्रोसीजर होता है भाई, हम क्यों परेशानी ले रहे, इतना सा प्रोसीजर होता है। हाँ पाठक भाई जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी। हाँ भाई यहाँ पे आए हुए 2 मिनट से 5 मिनट नहीं, और इस आदमी को ना भाई भगने की लग जाती। भाई कहाँ जाना है तेरे को? मामा आ रहे हैं घर। अच्छा तो मेरी मम्मी के फोन आ रहे हैं, तो जाना पड़ेगा भाई। तो भाई
तुझे पता है मामा मौसी भाई यहाँ दो से आए हुए 5 मिनट नहीं हुए तुम्हें भगने की लग जाती है। अब क्या करें यार, मेहमान आ रहे हैं भाई, घर छोड़ दे। थार रॉक्स लेके भाई, मेहमान ने थार रॉक्स लिया, इनके हरियाणा की पहली डिलीवरी लिया भाई इसके मामा ने, थार रॉक्स लिया है 4x2 ऑटोमेटिक डीजल, वेरी गुड। तो टेस्ट ड्राइव कब दिला रहे हो पाठक भाई? अभी रात को ले जाऊंगा। रिव्यू रिव्यू कब कराओगे? अभी रात को। तो भाई रात को रिव्यू रिव्यू कराएगा। तो चलो इसे फटाफट छोड़ दें, असल में इसके ना यार मामा आ रहे हैं, मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो इस चक्कर में से छोड़ना पड़ेगा अपन को, नहीं तो भाई हम फुल प्लान बना के आए थे, अभी हमें वीडियो शूट करनी थी 2-3 वीडियो। पर पाठक भाई यार ये क्या कर रहे हो यार वीडियो, ओ तुम काले आ रहे हो, रुको गोरा करता हूं। ए हो गए गोरे भाई, ये कट सीन में गिरेगा, पहले वाले कट सीन में गिरूंगा, इसको बहुत मजबूत आ रही है आवाज। दोबारा करियो एक और बार भाई, एक बार, एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। चलो तो भाई चलते हैं। भाई ये हमारे पाठक भाई की पहली गाड़ी थी टाटा इंडिगो, और इन्होंने कागज खत्म हो गए तो यहाँ खड़ी कर दी। भाई तुम्हें शर्म नहीं है क्या? यहाँ गाड़ी नहीं है भाई, तुम्हारी है भाई, तुम्हारी है, चल मेरी है, ठीक है तुम्हारी है ना, तो भैया यहाँ क्यों खड़ी कर रहे हो, जब अपने घर क्यों नहीं करते? भाई मैं फेंक देता हूं, मैं 2 दिन चलाता हूं गाड़ी, फिर फेंक देता हूं। भाई देख लो भाई, पैसे की चौड़ दिखा रहा है भाई, तुम सबके सामने देख रहे हो, पैसे की चौड़ दिखा रहा है। कितने बीघे जमीन है तेरे पास? 300 बीघे में बाग बाग है मेरा। 300 बीघे, ये तो भाई वो है जो अपने अमीर भाई है ना, अमीर TRT वाले, ऐसे कितने बीघे जमीन है तेरे क्या पास भैया? ना जमीन 40 गज का प्लॉट है, उसमें भी 7 भैया, वो भी दादा के नाम है, जैसी दादा मर गए जमीन पे अपना कब्जा। भाई अमीर TRT भाई बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाते हैं, जो जो देखता है भाई कमेंट में बता दो एक बार। काफी सरप्राइजिंग चीज दिखाता हूँ, देखो अभी इसके मामा आ रहे थे, इसने वहाँ आगे मूत रखी थी, मामा आ रहे अब कहाँ जा रहा भाई तू, अब नहीं आ रहे वे? भाई भाई को लालच दे दिया, पेटीज खाएंगे, छोड़ मामा जब आएंगे आते रहेंगे, मैं पेटीज खाने चल रहा हूँ, कोई काम वाम नहीं, सीधा पेटीज खाने चल रहा हूँ। भाई बताऊंगा मामा को, बता दे नहीं डरता, कह रहा जी मेरा कद्दू डर है मामा से। हाँ भाई पेटीज खा ली? पेटीज तो खा ली, मजा आ गया। हाँ बता क्या कह रहा था? मतलब बिना रे, मगर यहाँ से रुक जाओ, सामने दीवार है कम से कम 300 मीटर दूर, ठीक है, और बिना ब्रेक हमारे ना चौराहे पे रोक ना, देखे जाएंगे कितना दूर, कितना गुद्दा है, ठीक है, फिर सुई नीचे मिला देने 220 पे की, फिर जो पापा गांड पे फंटी बजाएंगे वो तू बजवा लियो अपनी पे, ठीक है भाई। ये चीज मैं डालूंगा वीडियो में, पाठक डाल दू, कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का? और कोई तो नहीं देखता वीडियो? चलो पाठक भाई को बाय बोलते, पाठक भाई बाय 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 भाई बाय, वीडियो देखना हमारी। चलो तो भाई निकलते हैं अब अपने घर की तरफ, वीडियो शूट कर ली, बाकी प्लान तो था 2-3 वीडियो शूट करने का, बट फिर हम वहां से निकल गए और फिर पाठक भाई को भूख लग गई, पाठक भाई ने पेटीज खा ली, और पेटीज भी एक नहीं 3 पेटीज खा के आया भाई, एक पेटीज से काम नहीं चलता भाई पाठक का, 3 पेटीज तो चाहिए भूख मिटाने के लिए, मतलब समझ लो पेट में छोक लगा 3 पेटीज से, तो अगर तुम्हें पूरी भूख मिटानी तो 10 पेटीज तो पाठक नहीं पाड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा भाई, भाई की कैपेसिटी बहुत है भाई खाने की, दबा दब दबा दब दबा दब। मैंने एक दिन देखा भाई 15 रोटी तो भाई हमारा नहीं खा जाता आज सब्जी के साथ, पाठक ये वीडियो देख के मुझे बहुत कहेगा, राणा मजाक कर रहा, बेइज्जती कर रहा साले, पर चलो कोई बात नहीं भाई, मजाक मस्ती चलती रहनी चाहिए। तो यही थी कुछ वीडियो, अगर आपकी भी HSRP नंबर प्लेट खो जाती है तो ये प्रोसीजर आप भी फॉलो कर सकते हैं, और 1100 रुपए के समथिंग लगते हैं आपके न्यू नंबर प्लेट बनने में, जो कि आपको वहां जमा करने होते हैं शोरूम पे, और एप्लीकेशन भी लगानी होती है जो थाने वाली होती है, उस पर थाने की मोहर लगाने के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल को सब कुछ कर देना, मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय टाटा एंड जय श्री राम।